नमस्कार, आज हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली की और कैसा रहेगा ये वर्ष भारत और विश्व के अनेक देशों के लिए। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ ये एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने में, मगर देर आए दुरुस्त आए। ये कुंडली जो है ये पहले नवरात्र की बनती है, उस दिन हम हिंदू न्यू ईयर उस दिन से आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये कुंडली अमावस्या की कंजंक्शन की बनती है जहां से प्रतिपदा शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो ये कुंडली 21 मार्च 2023 10:51 21 सेकंड की ये कुंडली है जहां ये कंजंक्शन बनती है, अमावस्या की कंजंक्शन है सूर्य और चंद्रमा की। अब ये कुंडली देश के बारे में बताती है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली हम किसी भी देश के लिए बना सकते हैं, रशिया के लिए बना सकते हैं, इजराइल के लिए बना सकते हैं, और वहां से साल भर के लिए क्या घटनाएं घटेंगी उस देश में ये जान सकते हैं। अब ये कुंडली जो है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ लग्न अनुराधा नक्षत्र में है। इस कुंडली को थोड़ा समझ लें, इस कुंडली में वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में लग्नेश मंगल अष्टम भाव में मिथुन राशि में जाते हैं, वृक्षरा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है, मगर मंगल का वृक्षरा नक्षत्र में गोचर करना अच्छा ही माना गया है धर्म स्थापना के लिए। इस कुंडली में चतुर्थ भाव में स्वराशि शनि बैठे हैं जो कि शनि के लिए एक अच्छी पोजिशन है। ये तृतीयेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये स्टेबिलिटी देंगे इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स, परेशानियों के बावजूद। इस नव वर्ष की कुंडली में एक बहुत ही सुंदर योग बनता है जिसमें नवमेश दशमेश एकादशेश यानी कि चंद्रमा नवमेश दशमेश सूर्य और एकादशेश बुध द्वितीयेश बृहस्पति के साथ एक युति बनाकर पंचम भाव में स्थित हैं। यहां पर बृहस्पति पंचमेश भी हैं और यहां बुध अष्टमेश भी हैं। ये जो युति है ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दिखाती है, बढ़त दिखाती है आर्थिक स्तर पर। मैं अपने बहुत से पुराने एनालिसिस में ये बता चुकी हूँ कि ये जो डेकेड है ये भारत की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर जाता ही दिखाती है, क्योंकि हिंदुस्तान की कुंडली जब हम देखते हैं तो अष्टक वर्ग में, और इसको हम शनि से देखेंगे, शनि कुंभ मीन मेष ये 7.5 साल का ये जो आर्क है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए रहते हैं, तो ये यहाँ पर अष्टक वर्ग बिंदु ऊपर ही जा रही हैं, इसलिए ये डेकेड जो है ये इंडिया की आर्थिक उन्नति दिखाता है। और इस साल में ये योग बहुत ही प्रबल दिखता है क्योंकि ये एक किस्म का लक्ष्मी योग है जहाँ नवमेश दशमेश एकादशेश द्वितीयेश पंचम भाव में बैठे हैं। अब इस साल में इस कुंडली को देखकर हम क्या ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें देख रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस कुंडली में राहु और शुक्र, यहाँ शुक्र सप्तमेश है और द्वादशेश है। ये शुक्र राहु के साथ युति बनाकर नीचस्थ होकर छठे भाव में बैठकर शनि से दृष्ट हैं, और ये राहु और शुक्र दोनों ही अश्वनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में हैं और शनि से दृष्ट हैं। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है और मैं इसके बारे में आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। लग्नेश अष्टम भाव में जाने के कारण कुछ मतभेद दिखते हैं विभिन्न संप्रदायों में, जो कि एक वायलेंट टर्न ले सकते हैं, ये ऐसा दिखता है इस एनालिसिस में। मंगल के अष्टम भाव में जाने से, और यहाँ मंगल षष्ठेश भी हैं, यहाँ पर
एक पॉलिटिकल असैसिनेशन या एक लीडर पे अटेम्प्ट टू मर्डर जरूर दिखता है। ये एक असैसिनेशन ना होकर अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है, जिसके कारण फिर एजिटेशन ज्यादा बढ़ सकती है। लग्नेश मंगल का अष्टम में जाना हिंसा का द्योतक है, इसलिए यहां पर मतभेद हो सकते हैं विभिन्न संप्रदायों में, जो कि एक हिंसात्मक टर्न, एक वायलेंट टर्न ले सकते हैं। मैंने अपने बहुत से पुराने वीडियोस में भी ये बात कही है 2020 में, 21 में, 22 में, कि कोरोना से ज्यादा भयावह ये वॉलेटिलिटी दिखती है जो समाज में आ रही है, जो एक एजिटेशन या आंदोलन का फॉर्म ले सकती है और जो कि हिंसात्मक है, और ये इस साल में विशेषतः दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपके साथ साझा करूँगी, जो कि मैंने पिछले साल भी अपनी अर्ली प्रिडिक्शंस में बोली है, और यहाँ जो एनालिसिस मैंने शनि की कुंभ राशि में जाने का किया जनवरी में, उसमें भी मैंने बताया है। केतु और राहु अभी मेष और तुला की धुरी में गोचर कर रहे हैं। केतु अभी स्वाति नक्षत्र में है। ऐसा पुराने ग्रंथों में आता है कि जब भी केतु स्वाति नक्षत्र में केतु का गोचर होता है, तब कश्मीर में परेशानी आती है, ये आप जानिए। अब इस परेशानी को एक और नजरिया है इसको देखने का। शारदा माँ का जो मंदिर दोबारा से स्थापित किया गया है कश्मीर में, जो ओरिजिनल टेम्पल था वो तो अभी भी दूसरी तरफ है, मगर उससे 35 किलोमीटर इधर कुपवाड़ा में शारदा माँ का जो स्थान है वो दोबारा से कॉन्सिक्रेट किया गया है। आप ये जानिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंदिर बन जाते हैं, या इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये गूंज दूर तलक आती है, क्योंकि वहां शारदा माँ को दोबारा से प्रतिष्ठित किया गया है। ये प्रतिष्ठा ही उस स्थान को पावर देगी, ये प्रतिष्ठा ही उस स्थान को पावर देगी। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि पीओ के तू भारत के पास आएगा, ऐसा भारत की कुंडली से भी दिखता है और पाकिस्तान की कुंडली से भी दिखता है। और इस साल में दिसंबर 2023 से ये योग थोड़ा ज्यादा प्रचंड हो जाता है, और ये प्रतीकात्मक है, ये जो मंदिर वहां अब प्रतिष्ठा की गई है शारदा माँ की, ये भी इस बात को दर्शा रहा है कि अब एक हिस्सा वहां से टूटेगा और वो यहाँ आएगा। क्योंकि जब हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं तो भूमि खंड का टूटना बार बार दिखता है, एक बार नहीं बार बार दिखता है, तो ये भी आप जान लीजिए। और मैं कह रही हूं ये दिसंबर 2023 से ये योग प्रचंड हो जाता है। केतु का स्वाति नक्षत्र में होना तो मैंने आपको बताया, केतु जब चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, और ये महाभारत में भी एक कथन आता है, मैंने पहले बहुत बार शेयर किया है, कर्ण का श्री कृष्ण से ये एक वार्ता है, और जिसमें और भी कुछ ज्योतिषीय पॉइंट्स मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में मेंशन किए हैं। यहाँ पर जब केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो सिंहासन पर जो राजा होता है वो परेशान होता है,
उसकी गति जाती है। ये कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि केतु का चित्र नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है, दुर्योधन अब ये युद्ध हारेगा। ये एक पॉइंट वहां आता है। केतु का चित्र नक्षत्र में प्रवेश जुलाई 2023 से हो रहा है और ये मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024 तक रहेगा केतु का चित्र नक्षत्र में प्रवेश। अब केतु का ये प्रवेश सिर्फ भारत की कुंडली के लिए नहीं है, ये तो वर्ल्ड ओवर है, मगर ये जो कुछ महीने आएंगे जुलाई 2023 से मार्च 2024, ये एजिटेशन, आंदोलन और वॉर दिखाते हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुंडली देखें तो अप्रैल एंड से इलेक्शंस तक जो योगिनी दशा चल रही है वो भी परेशानी दिखा रही है। और ये मैंने अपनी एक और सेशन में अभी डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चार्ट, जहां मैंने बताया है कि केतु के चित्र नक्षत्र में आने से आंदोलन और एजिटेशन दोनों ही दिखते हैं। इसलिए ये जुलाई 2023 से मार्च 2024 का जो पीरियड है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी में कुछ संप्रदायों में मतभेद होगा जो एक हिंसात्मक टर्न ले सकता है। स्पेसिफिकली बंगाल में परेशानी ज्यादा बढ़ेगी और अगले साल से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और डिस्टेबिलिटी आती दिखती है वेस्ट बंगाल में, जिसके जो करंट गवर्नमेंट शायद उसे कंट्रोल, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और कुछ सीरियस डिसीजंस लिए जाएंगे वहां पर। ऐसा इस साल में शुरू है मगर अगले साल ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती दिखती है वेस्ट बंगाल के लिए और वेस्ट बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट के लिए ये परेशानी बढ़ती दिखती है। पंजाब में भी ये परेशानी बढ़ती दिखती है जो गवर्नमेंट को, करंट गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ऐसा इस साल नहीं, अगले साल दिखता है। एजिटेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही जुलाई से बढ़ते दिखते हैं। ये केतु का भी योग है, इसमें मंगल का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है यहां पर। और ये भी देखिए, अब इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल। इस कुंडली में जब हम द्वादशेश शुक्र को देखते हैं जो कि छठे भाव में नीचस्थ बैठे हैं, राहु के साथ युति बनाए शनि से दृष्ट अश्विनी नक्षत्र में, तो ये दिखाते हैं कि फॉरेन पावर्स को, फॉरेन कंट्रीज को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा हमारी हमारी इलेक्शंस में। और वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि दोबारा से एक बहुत ही पावरफुल लीडर सेंटर में हो, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंटर में हैं। तो फॉरेन पावर्स तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर हिंदुस्तान के पास हो, मगर ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर का सेंटर में होना, ये ट्रेंड तो कंटिन्यू करेगा। और मैंने ये एक इंटरव्यू भी किया है पहले और मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2024 में भी। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जब हम इस कुंडली में और साल भर के लिए जब हम सूर्य विधि कुंडलियां पढ़ते हैं, सूर्य संक्रांति, मेष, कर्क, तुला और मकर, जब हम ये पढ़ते हैं तो हम तो ये भी आप समझ लीजिए कि टेरिटोरियल वॉर बॉर्डर्स पे, इंडिया के बॉर्डर्स पे, वेदर इट इज द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे परेशानी बनी हुई है
और आगे भी बनी रहेगी, मगर इस साल में भी बनी हुई है, बहुत प्रोमिनेंटली बनी हुई है। चतुर्थ भाव में इस कुंडली के चतुर्थे शनि बैठे हैं। इसका क्या मतलब है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की कितनी भी कोशिश की जाए, मगर डिस्टेबिलिटी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठा है, जिस पर कोई क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। यहां पर एक बात जरूर है कि ये शनि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है। ये बस एक परेशानी का कारक है, क्योंकि ये राहु जो है ये युति बनाए बैठे हैं द्वादशेश शुक्र, द्वादशेश और सप्तमेश शुक्र के साथ। तो फॉरेन पावर्स डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी हमारे देश को, मगर उनसे हो नहीं पाएगा। इसका दूसरा पॉइंट ये है, चतुर्थ का चतुर्थ भाव में होना, ऑपोजिशन बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी, ऑपोजिशन पार्टीज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और बहुत एक रिदम में, एक बहुत तरीके से काम करेंगे करंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। कुछ हद तक कामयाब भी होंगे, मगर जीत नहीं पाएंगे, ऑर्गेनाइज होने के बावजूद जीत नहीं पाएंगे। ये क्लियर बात है। और ऑपोजिशन में भी, कांग्रेस में स्पेसिफिकली, ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा है, किसी बड़े लीडर को क्षति पहुंच सकती है, नेचुरल डेथ हो सकती है। ये पीरियड जून 2023 से शुरू होता है और अगले साल तक ये एक लंबा योग है, ये रह रहा है। द्वितीयेश बृहस्पति का पंचम भाव में आना और एकादशेश नवमेश दशमेश के साथ युति बनाना, ये दिखाता है कि फिर से रुझान, कलात्मक रुझान जो देशवासियों का है, वो क्लासिकल जो फॉर्म है कला का, उसको समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और किसी ऐसे ही व्यक्ति को जो भारत से है, उसे कोई बहुत बड़ा प्राइज, कोई बहुत बड़ी रिकग्निशन, हमारे देश के लोगों को इस साल में कोई बहुत बड़ी रिकग्निशन मिल सकती है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का एकादश भाव को देखना, ये मैंने जैसा कि पहले कहा, एक लक्ष्मी योग है, और यहाँ रिकग्निशन और अवार्ड्स मिल सकते हैं कला जगत से जुड़े लोगों को भी, साइंटिस्ट को, कला जगत से जुड़े लोगों को। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो रिकग्नाइज हो रहा है इंटरनेशनली, इसलिए कुछ इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है इंडिया को। ये लक्ष्मी योग ये भी दिखाता है कि रुपी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह और प्रबल कर लेगा, और ये ट्रेंड सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये ट्रेंड मजबूत हो रहा है, और अब ये ट्रेंड मजबूत होने वाला है। रुपी आने वाले समय में, इस डेकेड में, सिर्फ एक दो साल के लिए नहीं, पावरफुल हो जाएगा, ये आप देखेंगे। मैंने आपसे कहा शुक्र का द्वादशेश होकर छठे भाव में आना फॉरेन पावर्स का बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारे देश की राजनीति में, और करंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का एक, समझ लीजिए जैसे जुट बन रहा है, मगर ये हो नहीं पाएगा। ये शुक्र जो छठे भाव में नीचस्थ हुआ है, ये भी दिखा रहा है, क्योंकि ये युति राहु के साथ है, ये एक फेमस डिवोर्स केस भी हो सकता है इस दौरान। ये डिवोर्स केस किसी बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी का हो सकता है, ये दिखाता है, ये शुक्र ये भी दिखा रहा है। और कोई बहुत ही बड़ा स्कैंडल शुक्र से रिलेटेड, तो हम इसे
कोई सेक्सुअल स्कैंडल ही बोलेंगे, एक कोई बहुत बड़ा स्कैंडल जो फिर जो पता लगेगा वो भी ये शुक्र दिखा रहा है। मंगल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी दिखाता है, भी दिखा रहा है, जिसके कारण अटेम्प्ट हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर से, ये बात मैंने कही है। इसे शब्द में एक ब्लडी कॉन्स्पिरेसी का दूंगी, इट्स अ ब्लडी कॉन्स्पिरेसी। अब जब हम भारत की रिपब्लिक हॉरोस्कोप देखते हैं तो इस रिपब्लिक हॉरोस्कोप में जो ज्यादा वॉलेटाइल और वायलेंट पीरियड है वो फरवरी 24 से शुरू होता है। अब केतु का चित्र नक्षत्र में प्रवेश जुलाई 2023 से। भारत के रिपब्लिक हॉरोस्कोप को अगर हम देखते हैं तो और वॉलेटिलिटी फरवरी 2024 से दिखती है। यहां पर भी मंगल का प्रभाव आ रहा है। इस कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर लग्न को देखते हैं तो सनातन जो प्रवाह है वो बढ़ेगा इस देश का। बृहस्पति और सूर्य द्योतक हैं मंदिर के, ये दोनों युति बनाकर बैठे हैं पंचम भाव में, और यहाँ पंचमेश बृहस्पति नवम भाव को भी देखते हैं, और यहाँ पंचमेश और नवमेश यानी कि बृहस्पति और चंद्र की भी युति पंचम भाव में है। जब हम यूपी स्टेट का चार्ट भी देखते हैं तो मई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में, ये तो हम जानते ही हैं कि राम मंदिर फुली एस्टैब्लिश हो जाएगा, मगर एक होता है एस्टैब्लिश होना, एक होता है धूम मचना। पूरे देश भर में धूम मचेगी क्योंकि ये अयोध्या इस देश का वास्तविक अग्निचक्र है। यू कैन से जैसे ओरिजिनल कैपिटल ऑफ इंडिया अयोध्या, वो ही अग्नि चक्र है, अग्नि ही पावर है, वहीं से रूल किया जाता है। तो वास्तविक अग्नि चक्र तो अयोध्या ही है इस देश का, और वो फिर से कॉन्सिक्रेट और एस्टैब्लिश होगा तो धूम मचेगी। जो सिर्फ इस धूम मचने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कमर्शियल एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूं मैं यहां पर, जैसे अग्नि चक्र का भेदन हो रहा है और शक्ति फिर उठती है यहां से, और बहुत लोग एकजुट हो जाएंगे इस मंदिर के एस्टैब्लिश होने पर, और ये इस भूमि को बहुत पावर, बहुत शक्तिशाली बनाएगा। बहुत शक्ति एकत्रित होती है इस एक राम मंदिर के एस्टैब्लिश होने से, और आप देखेंगे कि ये टाइम जो है जब ये मंदिर एस्टैब्लिश होता है और भारत का उत्थान, ये दोनों ही कोइंसाइड करेंगे। यहां से मंदिर एस्टैब्लिश होगा और भारत का उत्थान शुरू होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आप ये देखेंगे कि ऐसा होगा, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य मंदिर दर्शा रहे हैं, और मैं क्योंकि हम यहाँ पर यूपी का चार्ट भी देखते हैं और चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण का भी चार्ट देखते हैं, तो मई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में काशी और मथुरा, इस पर भी कोई बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव डिसीजंस आने वाले हैं जिसमें मंदिर बनेंगे। ये भी मैं बहुत पहले अपने एनालिसिस में बता चुकी हूँ, अपने बहुत पुराने वीडियोस में मैं ये बता चुकी हूँ, ये बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको ये करके देगा, और मई 2023 से ये योग प्रचंड उठ जाएगा।
इस साल में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो अतिवृष्टि दिखा रहे हैं। ये मैं बहुत पहले बता चुकी हूं कि ये साल भूकंप का साल भी है, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये वर्ल्ड ओवर ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिसमें पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस दिखता है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताऊंगी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई, जो शनि के कुंभ में गोचर के बारे में है। शनि का शतभिषत नक्षत्र में गोचर और चैत्र प्रतिपदा की कुंडली में मिथुन राशि पर फिर से शनि और मंगल का दुष्प्रभाव, ये कोई हवाई दुर्घटना भी दर्शा रहा है। ये साल माने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2023, यानी कि पहला नवरात्रा जो चैत्र के महीने का है वहां से अगले साल तक, तो हमारा नववर्ष तो अगले मार्च अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो ये कोई हवाई दुर्घटना भी दिखा रहा है ये साल। इसमें किसी कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत कोई हवाई एक्सीडेंट या हवाई या कोई हाईजैकिंग हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि मिथुन राशि एयर एक्सीडेंट्स भी दिखाती है, इसलिए यहां पर मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूं। ये वर्ष विक्रम संवत्सर 2080, इसके राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र है। ये बुध जो है ये कंबस्ट है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। पिंगल नामक ये संवत्सर जो है ये युद्ध भी दिखाता है, तो युद्ध के बादल विश्व भर में मंडराएंगे अनेकानेक देशों पर, ये बात आप जान लीजिए। मैंने 5 जनवरी 2023 को भी एक वीडियो दिया और कहा कि कोरोना बढ़ने वाला है, और ये एक भविष्यवाणी मैंने 2020 में भी शेयर की थी। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अप्रैल एंड 2023 से ये केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बृहस्पति का ये जो गोचर है मेष राशि में, अप्रैल एंड 2023 से एक साल के लिए ये कोरोना को बढ़ा ही रहा है, क्योंकि भारत में हम इकोनॉमिक पैटर्न ऊपर जाते हुए देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी हुई देख रहे हैं, इसलिए ये कहना कि कोरोना से बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति होगी हमारे देश को, ये कथनी तो सही नहीं होगी। मगर बाहर के देशों में इस एक बीमारी के कारण बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगी दुनिया, ये आप जान लीजिए। चाइना में आर्थिक तनाव इतना ज्यादा होगा इस एक कोरोना के कारण या एक डिजीज के कारण। मैंने कहा है कि कोरोना के अनेकानेक अब म्यूटेंट्स आएंगे, आप एक को पकड़ेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को पकड़ेंगे वो तीसरा आएगा। तो जो अभी तक वैक्सीनेशंस हैं वो अभी के म्यूटेंट को तो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, मगर जैसे ही ये डिजीज अपने आप को म्यूटेट करेगा, अपने नए नए रूप दिखाएगा, तो साइंटिस्ट को भी उसी हिसाब से उसे कैचअप करना पड़ेगा। तो उसमें जो एक पीरियड ऑफ डिले आता है उसमें ये डिजीज काफी क्षति कॉज कर सकता है, और बीमारी बढ़ी हुई है इस साल में, ये आप जान लीजिए। और इस डेकेड में, जैसा कि मैं बहुत बार कहती हूँ, राइट्स युद्ध और डिजीज का डेकेड है ये। मैंने आपसे चाइना के बारे में बताया और पहले कुछ मैंने पाकिस्तान के बारे में भी बोला। तीन हॉटस्पॉट्स हैं फिलहाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना ताइवान, रशिया एंड यूक्रेन। ताइवान के बारे में मैंने पिछले साल जो ईयरली प्रेडिक्शंस की थी उसमें भी बताया था, और रशिया के बारे में, रशिया यूक्रेन का जो हॉटस्पॉट है उसके बारे में तो मैंने सितंबर 22 में भी एक एनालिसिस किया और शेयर किया कि बहुत ज़्यादा युद्ध बढ़ने वाला है, और ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो यूएसए फाइट कर रहा है। अब अगर हम यूएसए की सिंह लग्न की कुंडली देखें तो चंद्रमा कुंभ राशि में है और इस पर फिलहाल शनि का गोचर है, परेशानी यूएसए के लिए बड़ी हुई है।
मगर जैसे ही राहु केतु अपनी धुरी बदलते हैं और मीन और कन्या में आते हैं अक्टूबर मिड 2023 से, वहां से यूएसए के लिए एक परेशानी का पीरियड शुरू होता है। जैसे ही राहु केतु मीन और कन्या की धुरी में आते हैं, साल का अंत होते होते यूएसए एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजरता दिखता है और इकोनॉमिकली बहुत क्षति होगी यूएसए को। यूएसए का इंटरफेरेंस रशिया यूक्रेन में तो है ही, अब यूएसए का इंटरफेरेंस चाइना और ताइवान में भी आएगा। वो इसलिए, अगर यूएसए ताइवान को प्रोवोक करता है तो चाइना बिजी हो जाएगा ताइवान की तरफ, और चाइना जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है वहां पर नहीं करेगा। चाइना के लिए दो फ्रंट्स ओपन हो जाएंगे, एक जो वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, और इधर यूएसए जैसे ही ताइवान को प्रोवोक करता है तो चाइना एंड ताइवान आर आल्सो गोइंग टू बी दैट विल बी अनदर हॉटस्पॉट। ताइवान चाइना को डिस्ट्रैक्ट करने का एक मुद्दा बनेगा ताकि चाइना रशिया को ना सपोर्ट कर सके। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा कि पोलराइजेशन जो है वो इस तरह से दिखती है, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये एक तरफ है, और इधर यूएसए, यूके, नाटो कंट्रीज, जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया, ये एक तरफ है, और इसराइल भी इसी तरफ है। 2021 में अप्रैल में मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था इंडिया, ईरान, इसराइल, ऑल थ्री कंट्रीज, ये तीनों ही अटैक की जाएंगी, मगर तीनों ही इवेंचुअली बहुत पावरफुल बनेंगी। इंडियंस, जूस एंड एंशंट एंड पीपल फ्रॉम एंशंट पर्शिया, ये तीनों ही पावरफुल होते दिखते हैं, मगर ये वो ईरान नहीं है जो करंट हमें ईरान का जो हम चेहरा आज देखते हैं। ईरान, जब मैं ईरान को रेफर करती हूँ तो मैं एंशंट पर्शिया को रेफर कर रही हूँ, जहां पर फायर वर्शिपर्स थे। हम आज भी उनको पारसीज के नाम से जानते हैं और वो हिंदुस्तान में भी सेटल्ड हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो ईरान एंशंट पर्शिया की बात कर रही हूँ मैं, जो फायर वर्शिपर्स हैं, जो अग्नि के उपासक हैं। तो मैं उस ईरान की बात करती हूँ जहां फायर वर्शिपर्स हैं, एक एंशंट पर्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ। ये तीनों सिविलाइजेशंस, द इंडियंस, इजरायलीज एंड ईरानियंस, ये पावर में आएंगे इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये पावरफुल होंगे। पर मैंने आपसे कहा कि ईरान का वो चेहरा जहां स्त्रियां प्रताड़ित नहीं हैं, वो ईरान जो एंशंट पर्शिया था, मैं उसकी बात करती हूं। जैसी स्थिति अभी पाकिस्तान की है बैंकरप्सी की, वैसी ही स्थिति चाइना की आगे हो जाएगी। फाइनेंशियली, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल अस्थिर हो जाएगी और एक बहुत ही परेशानी के दौर से चाइना गुजरता दिखता है इस डेकेड में। कोरोना तो तंग करेगा ही, साथ में मैन्युफैक्चरिंग का जो स्ट्रेंथ चाइना के पास है वो इंडिया के पास आ जाएगा। ये मैंने अपने पिछले साल के वीडियो में भी कहा, और आप देखेंगे इस देश में अनेकानेक ऐसी स्कीम्स आएंगी, अनेकानेक ऐसा चीजें होंगी जिससे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसे बढ़ेगी कि चाइना का जो फोटे था वो फिर भारत का हो जाएगा। इंडिया अपना स्किल्ड जो टेक्नीशियन है उसे भी, अब आप देखें मैं यहाँ पर क्या पॉइंट कह रही हूँ, कि पहले जो टेक्निकल एजुकेशन थी वो सिर्फ अंग्रेजी में ही अवेलेबल थी। अब जो करंट गवर्नमेंट का जो एक रूल है उसमें, जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें, टेक्निकल एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप एक अच्छे इंजीनियर या एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं हो सकते, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। तो ये तो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है रीजनल लैंग्वेजेस में टेक्निकल एजुकेशन देने का।
ये टेक्निकल एजुकेशन किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, स्किल्ड आर्टिजन्स, स्किल्ड टेक्निकल पीपल, ये आपको आप रीजनल भाषाओं में भी अपने पेपर्स को दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिसी है और आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये भारत की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में कारगर होगी। मैं विश्व की दूसरी कंट्रीज के बारे में बात कर रही थी और मैंने यहाँ पर फिर यह पॉइंट शेयर किया। एनीवे, जब हम रशिया की कुंडली देखते हैं तो ये जो ग्रहण आ रहा है जो 20 अप्रैल का है, ये भारत में तो विजिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगी मैं एक और वीडियो करूं ग्रहण के ऊपर जो मेष राशि में आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण आ रहा है। अब अगर थोड़ा सा समझे तो रशिया को अगर हम देखें तो कन्या लग्न की कुंडली में मेष राशि अष्टम भाव में आ रही है, ये परेशानी का द्योतक तो है। रशिया परेशान किया जा सकता है, यूएसए एक ऐसे तरीके से अटैक करे जिसमें नाटो कंट्रीज, तो मैंने पहले भी बताया नाटो कंट्रीज एक हो जाएंगी। अब फिनलैंड जो कि 1300 किलोमीटर की अपनी एक बाउंड्री रशिया के साथ शेयर करता है, फिनलैंड भी नाटो में शामिल हो गया है, तो एक प्रेशर तो एक दबाव तो बन रहा है रशिया के ऊपर। रशियंस अगर हम रशिया की कुंडली भी देखते हैं और साथ में पुतिन की कुंडली भी देखते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पुतिन को नीचे लाएगा, जिसमें लोग सहमत नहीं होंगे कि पुतिन अपने बचाव में किसी और कंट्री के साथ लड़े या इतना जैसे यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है ये इतनी बड़े, मगर ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन की लड़ाई है, अपने टर्फ को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। अगर पुतिन अपने टर्फ को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो रशिया और भी परेशानी से गुजरेगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये तो, मगर आप ये देखिए ये सिविलाइज्ड आदमी जो है हर 100 साल में 10 से ज़्यादा युद्ध होते हैं, ये मॉडर्न डे सिविलाइजेशन है, हर 100 साल में 10 से ज़्यादा युद्ध हैं। तो मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वॉर होनी चाहिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये वॉर अपने टर्फ की प्रोटेक्शन के, अपनी भूमि की प्रोटेक्शन के लिए। इफ देर इज नो रशिया देर इज नो यूनिवर्स, एज आई थिंक समथिंग टू दिस इफेक्ट प्रेसिडेंट पुतिन हैड सेड। सो अगर पुतिन नहीं होते तो रशिया पे बहुत बड़ी परेशानी आती हुई दिखती है। और रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध एक पोलराइजेशन को दिखाता है जो डेकेड लॉन्ग चलती है और फिर 2030 ऑनवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 दिखती है, मगर अभी फिलहाल एक मिनी वॉर की सिचुएशन तो बनी हुई है जहां नाटो कंट्रीज मिल जाएंगी। और हॉटस्पॉट्स मैंने आपके साथ शेयर करे, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, जैसा कि मैं पिछले साल भी बता चुकी हूँ। और यूएसए फुल फ्लेजेड वॉर में एंट्री करेगा साल के अंत से, इस बात की शुरुआत होगी। इसराइल और ईरान के बारे में भी मैंने आपसे बात शेयर की। इसराइल और रशिया दोनों की ही कन्या लग्न की कुंडली है और मेष जहाँ पर ग्रहण आ रहा है ये अष्टम भाव में आ रहा है। पाकिस्तान और यूके दोनों की मेष लग्न की कुंडली है और ग्रहण मेष में भी आ रहा है। यूके की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे जाती दिखती है और मैंने पहले भी कहा अब कमज़ोर राजा ही शासन करेंगे इंग्लैंड पर। और ये बिल्कुल कहानी आर्थिक व्यवस्था नीचे की तरफ जाती दिखती है इस पूरे डेकेड में, ये एक दो साल नहीं दिख रहा, ये पूरे डेकेड में दिख रहा है। नेचुरल कलामिटीज तो दिख ही रही हैं, ये साल अर्थक्वेक्स का साल है ये आप जानिए। शनि शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा कूर्म चक्र में नॉर्थ को भी दिखाता है, ऐसा ना हो कि नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में कोई प्राकृतिक आपदा फिर से आए, ऐसा एक अंदेशा मिलता है। मगर जैसा कि मैंने कहा आर्थिक व्यवस्था भारत की इस पूरे डेकेड में बहुत अच्छी रहेगी और ये साल तो अच्छा है। इसके साथ ही नमस्कार।